मैपिंग शॉट में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। दोस्तों, अपने कमरे में लगे नक्शे को जब भी आप देखते होंगे तो आपने प्रशांत महासागर में कुछ छोटे छोटे द्वीपों को जरूर देखा होगा। इन सभी द्वीपों में ज्यादातर का फैलाव ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में है। इन द्वीपों को मोटे तौर पर तीन बड़े कैटेगरीज में बांटा गया है। इनमें सबसे बड़ा पॉलिनेशिया है, जो 180 डिग्री देशांतर के दोनों तरफ काफी दूर तक फैला है। इसमें 1000 से भी ज्यादा द्वीप शामिल हैं, जो मध्य और दक्षिण प्रशांत महासागर में फैले हैं। पॉलिनेशिया टर्म पहली बार 1756 में चार्ल्स डी ब्रोसस ने दिया था। हालांकि ये बात अलग है कि उन्होंने पहली बार ये नाम प्रशांत महासागर में मौजूद सभी द्वीपों के लिए दिया था। दोस्तों, नक्शे पर पॉलिनेशिया एक त्रिभुज की तरह दिखता है, जिसका एक कोना अमेरिका के हवाई द्वीप, दूसरा कोना न्यूजीलैंड, जबकि तीसरा कोना चिली के ईस्टर आइलैंड को जोड़ता है। इसके अलावा इस पूरे ग्रुप में टोंगा, टवालू, कुक, न्यूजीलैंड और फ्रेंच पॉलिनेशिया जैसे कुछ बड़े द्वीपीय देश भी शामिल हैं।